चौमू शहर के सामोद रोड स्थित विनय गार्डन में सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी विकास संस्था राजस्थान संघ के बैनर तले दो दिवसीय वार्षिक महाअधिवेशन व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सैनी ने कहा कि समाज व कार्मिकों के उत्थान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने समाज के कार्मिकों से समाज के असहाय व गरीब तबके के परिवारों को समकक्ष दर्जा देने के लिए उनकी मदद करनी होगी। समाज के भामाशाहों से भी इनकी मदद करने के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया गया। हमारा सौभाग्य है आज चौमू के पावन धरा पे आज सैनिक कर्मचारी अधिकारियों का पूरे राजस्थान का अधिवेशन यहाँ संपन्न हो रहा है। दो दिन से आज फर्स्ट डे है। इसके अंदर पूरे राजस्थान के कोने कोने से जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं वो कर्मचारी अधिकारी सैनिक समाज के लोग यहाँ गणमान्य लोग हैं वो पधारे हुए हैं और दो दिन का इनका सेशन चलेगा जिसके अंदर डिफरेंट समाज के उत्थान के लिए अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा, उन पर लेक्चर डिलीवर होंगे और कल जाके इनका एक विश्लेषण निकलेगा, कंक्लूजन निकाल के कुछ समाज हित के लिए क्या कर सकते हैं उसका निर्णय लेंगे। ये बहुत अच्छा कदम है समाज के लिए और इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए चौमू का चयन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी कर्मचारी अधिकारी विकास संस्थान राजस्थान जयपुर के द्वारा महाअधिवेशन होली मिलन समारोह रखा गया था जिसमें राजस्थान के कोने कोने से समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया है और समाज कैसे प्रगति करे, कैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे समाज में सुधार हो, शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र के अंदर समाज कैसे आगे बढ़े और समाज में व्याप्त बुराइयों को धीरे धीरे कैसे दूर किया जा सके, इन बातों के लिए चर्चा के लिए ये महाअधिवेशन दो दिन का रखा गया है। सैन्य अधिकारी कर्मचारी संगठन राजस्थान के द्वारा ये दो दिन का महाअधिवेशन विनय रिसोर्ट चौमू में रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में जागृति उत्पन्न करना तथा होली के उपलक्ष्य के ऊपर सभी का एक अधिवेशन रखा गया है जिसमें सभी लोग मिलेंगे आपस में और समाज में जो भी कुरूतियाँ हैं उनके बारे में और नई जागृति कैसे उत्पन्न की जा सकती है इन विषयों के ऊपर यहाँ दो दिन में चर्चा की जाएगी। आज बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग के बारे में चर्चा हुई है, कल बाकी के बचे हुए जो राजस्थान के और संभाग हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं जो इस अधिवेशन का मुख्य आकर्षण का केंद्र? अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जागृति है, शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार है, चिकित्सा शिक्षा और समाज में जो कुरूतियाँ हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया। सैनी समाज अधिकारी कर्मचारी संगठन द्वारा ये दूसरा महाधिवेशन किया जा रहा है। आज दो दिवसीय महाधिवेशन और होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है। ये शिक्षा चिकित्सा और सामाजिक संगठन कैसे मजबूत बने संगठन, इसके लिए आज का आयोजन रखा गया है। इसमें आज सवेरे से 10 बजे से यह कार्यक्रम चालू है जिसमें आज प्रथम जो अधिवेशन था उसका सत्र में पहला हमारे इस संभाग में जो लोग पधारे थे उनका सम्मान किया गया जिसमें यहाँ से जो अजमेर संभाग आज हो चुका है और इसके अलावा बीकानेर संभाग अभी होना है, जोधपुर संभाग होना है और जयपुर संभाग का कल रखा गया है। इसमें भरतपुर, उदयपुर और सातों संभाग हैं जिसमें चार संभाग आज होने हैं, तीन संभागों का कल होगा। एक संगठन है जिसमें कर्मचारियों को एकत्रित किया जाता है और इस संगठन में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है, क्या समस्याएं, क्योंकि आप प्रदेशाध्यक्ष हैं तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके स्तर पर आती है समाज के जो कर्मचारी हैं जो आप तक पहुंचाते हैं और उनका कैसे समाधान कराने का आप लक्ष्य रखते हैं? सामाजिक संगठन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। इसमें RS की कोचिंग हमारे द्वारा जो संगठित पूरे राजस्थान में संगठन फैला है वो 200 ब्लॉक में है और प्रत्येक ब्लॉक में एक लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है जिस माध्यम से RS की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और ऑनलाइन कोचिंग यहाँ से जयपुर में जो हमने एक केंद्र स्थापित किया है RS IS की कोचिंग के लिए उनको 200 ब्लॉक में जोड़ेंगे। निःशुल्क रहेगी ये सारी? निःशुल्क है। ओके।